रोक दो मेरे जनाजे को, अब मुझ में जान आ रही है। आगे से थोड़ा राइट ले लो, दारू की दुकान आ रही है। वाह 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 वाह, क्या दोस्तों, मजा आ गया ना ये डायलॉग सुनते ही। जी हाँ, आपने आज से पहले बहुत से लड़कों को तो दारू के नशे में इधर उधर पड़ते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी लड़कियों से मिलवाते हैं जिन्होंने दारू के नशे में वो हरकतें की हैं जिसे देखकर तो बड़े से बड़ा शराबी का भी नशा टूट जाए। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी की आज की हमारी इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहते हैं इंसान को नशा उतना ही करना चाहिए जितने की वो उसे झेल सके और उसके दिमाग पर उसका कंट्रोल रहे, मगर जब कोई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो अक्सर हमें कुछ नया देखने को मिलता है, जैसा कि आप इसी पहली घटना को देख लीजिए। वीडियो देखकर समझ में आया आपको कि यहाँ क्या हुआ? हम आपको बता दें कि ये मोहतरमा नशे में केवल झूम ही नहीं रही थी, बल्कि यूएसए के एक निजी हाईवे इंटरस्टेट 15 के बीच में अपनी गाड़ी को रोककर बीच हाईवे पर पेशाब करने लग जाती हैं। और तो और, जब कोई उसे ऐसा करने से रोकता है तो वो उसकी एक नहीं सुनती और अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी बीच हाईवे पर ये अपनी गाड़ी खड़ी करके ये मोहतरमा फोन चलाने में बिजी हो जाती है। अब ऐसे लोगों का तो ऊपर वाला ही मालिक है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, शराब पीने के बाद अक्सर आपने कई लोगों को गिरते पड़ते देखा होगा, मगर आज हम आपको इसका एक बिल्कुल उल्टा नमूना दिखाएंगे। जी हाँ, जरा आप इस लड़की को देखिए। ये लड़की शराब के नशे में झूम रही है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर इस वीडियो क्लिप में आप आगे ये देखेंगे कि वो शराबी है जो इसे नीचे गिरने से बचा रही है। धरती का गुरुत्वाकर्षण बल इस लड़की को नीचे की ओर खींच रहा है और शराब का नशा मानो कह रहा है कि आज नहीं मगर कुदरत के आगे कहां आज तक किसी की चली है। एक समय पर ये लड़की जबरदस्त नीचे गिरी जाती है, इसीलिए आप शराब पीकर कुदरत से ऐसे लड़ाई करने मत निकल जाना, नहीं तो आपका भी कुछ इसी प्रकार हालत हो जाएगा। आप सभी लोगों को हमारी सबसे पहले क्लिप तो याद ही होगी, इंटरस्टेट 15 हाईवे वाली। लेकिन आप जो आपको दिखाने जा रहे हैं ये भी कुछ उसी से मिलती जुलती घटना ही है। देखिए जरा आप इससे पहले, ये घटना इंटरस्टेट 805 हाईवे की है, जहां अचानक एक नशे में बेहोश मोहतरमा गाड़ी को रोककर बीच हाईवे पर ही सो गई। इसे तो अपनी जान की परवाह नहीं थी कि कोई पीछे से आ रहा है, कि कोई गाड़ी को टक्कर ही मार सकता है, मगर इस नेक दिल पुलिस वाले ने जो किया वो सच में काबिल तारीफ था। पुलिस वाले ने अपनी सूझबूझ से तुरंत गाड़ी के शीशे तोड़कर उसे बाहर निकालकर गिरफ्तार कर लिया। अब ऐसी महिलाओं को हम कहें तो क्या कहें, कौन समझाने जाए कि ऐसी हरकतें बीच हाईवे पर कभी नहीं करनी चाहिए। वैसे क्या आपने कभी बीच रोड पर ऐसे हंगामा करते हुए लड़कियों को देखा है? अगर हाँ तो यस, और अगर नहीं तो नो लिखकर हमें जरूर बताएं। क्या आपने कभी बोट सफारी की है? अगर आपने नहीं की तो हमारी एक बात आप अपने दिमाग में डाल दीजिए कि आप कभी भी नशे में बोट सफारी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो क्या होगा अब ये खुद ही देख लीजिए। इस लड़की की किस्मत ठीक थी कि इसे कुछ नहीं हुआ और लोग भी बोट पर मौजूद थे, वरना आज इन मोहतरमा के साथ कुछ भी हो सकता था। अगर आप शराब को उसकी लिमिट से ज्यादा अपने अंदर डाल लोगे तो उसके बाद शराब आपके साथ क्या खेल खेलती है ये तो समय ही तय करता है। हद से ज्यादा शराब और पैरों को ना संभाल पाना, जैसा कि इस मोहतरमा के साथ भी हो गया, जब ये मोहतरमा फुल बेवड़ी होकर बोट की सवारी पर निकल पड़ी। जब ये बोट पर चढ़ रही थी तब इनको इतना नशा नहीं था, लेकिन जब बारी उतरने की आई तो ये मोहतरमा कुछ अलग ही अंदाज में उतरती हुई नजर आती हैं। जी हाँ, इनका शराब का नशा ज्यादा होने के कारण ये खुद को संभाल ही नहीं पाई और ये सीधे पानी में जा गिरी, जिसके बाद वहाँ मौजूद लोगों ने इन मोहतरमा को पानी से निकाला। वैसे आपकी क्या राय है इन मोहतरमा के प्रति, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, ऐसा आमतौर पर देखने को मिलता है कि जब किसी हसीना का दिल टूटता है ना तो वो सड़कों पर टुल होकर हंगामा करने लगती है, मगर पिछले साल नवंबर के महीने में जयपुर से बहुत ज्यादा वायरल हुई इस लड़की ने असल जिंदगी में कुछ ऐसा करके सुर्खियों में अपनी अलग ही जगह बना ली। इसने शराब क्यों पी इसका कारण तो ये मोहतरमा ही जानती है, मगर इसने शराब पीने के बाद क्या कुछ नहीं किया ये तो पूरा देश जानता है, और वो भी बहुत ही अच्छे हॉट शॉट ड्रेस और आंखों पर फैशनेबल चश्मा लगाए। ये लड़की बीच सड़क पर कार को रोककर खड़ी हो गई और किसी मॉडल की तरफ पोज देने लगी और लोगों को गालियां देने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ आधे घंटे तक चले इस ड्रामा के बाद पुलिस पहुंचती है और मैडम जी को कैसे सही से पोज दिया जाता है ये बहुत ही अच्छे प्रकार से सिखा दिया जाता है। जी हाँ, इन मैडम ने तो शराब पीने की सारी हदें ही पार कर दी थी। शराब बहुत बुरी चीज है साथियों, हमारी भारतीय सरकार भी यही कहती है कि शराब हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती है। और इसी तरह तमिलनाडु में एक वायरल वीडियो में महिला कांस्टेबल फुल टू फुल नशे में होती नजर आती है। इस वीडियो में इस महिला पुलिस के साथ एक पुरुष की भी आवाज सुनाई पड़ती है जो इसका वीडियो बना रहा था, और जब इनका वीडियो वायरल हुआ तो इस महिला पुलिस पर कार्रवाई करते हुए इसे सस्पेंड कर दिया गया। इन मोहतरमा को बाकी लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहिए था, वहीं इन्होंने अपना बेड़ा गर्क करवा लिया।
तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। और साथियों हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो बेहद ही पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह वीडियो बनाते रहते हैं।